स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल इन योर मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डू अगेन बुक वर्क ऑफ चैप्टर 13 इन माय ऑब्जर्वेशन बुक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी 50 रुपीज नोट्स आर इक्वल टू 200 रुपीज। हाउ मैनी 50 रुपीज नोट्स आर इक्वल टू 200 रुपीज। तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 50 रुपीज के कितने नोट, यानी कि 50 रुपीज नोट्स आर इक्वल टू 200 रुपीज, यानी कि 200 में 50 रुपीज के कितने नोट्स होंगे। तो जो दोनों के यानी कि इक्वल करने के लिए, यानी कि 200 रुपीज में 50 के कितने नोट होंगे, 50 रुपीज़ के कितने नोट होंगे कि दोनों इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 200 डिवाइड बाय 50। 200 को हम अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 50 रुपीज़ के कितने नोट होंगे 200 में कि दोनों इक्वल हों। तो 200 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 4। तो कितने नोट्स होंगे 50 रुपीज़ के, कितने नोट होंगे 4 नोट्स होंगे, कितने होंगे 4 नोट्स। क्वेश्चन नंबर 8। सीमा वेंट टू द मार्केट टू बाय सम फूड आइटम्स। सीमा मार्केट जाती है, वहाँ से कुछ फूड आइटम्स खरीद के लाती है। शी बॉट मिल्क फॉर 37 रुपीज़। शी बॉट मिल्क 37 रुपीज़ एंड अ ब्रेड पैकेट फॉर 18 रुपीज़। वो सीमा 37 रुपीज़ का तो मिल्क लेती है और ब्रेड पैकेट कितने का लेती है, वो 18 रुपीज़ का लेती है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। तो क्या करना है आपको, सीमा बाजार से कुछ सामान लाती है, इतने का वो 37 रुपीज़ का मिल्क लाती है, 18 रुपीज़ का ब्रेड पैकेट लाती है। हाउ मच, तो दोनों पर उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन को आप, प्लस। नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सीमा बोट मिल्क फॉर कितने का लाती है, 37 रुपीज़। शी बोट अ ब्रेड पैकेट फॉर 18 रुपीज़। टोटल मनी शी स्पेंड, दोनों पर टोटल कितनी मनी स्पेंड करती है। नाउ वी विल ऐड 7 + 8। 7 + 8 इज इक्वल टू 15, 1 कैरी। 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5। तो टोटल मनी शी स्पेंड, कितनी मनी स्पेंड करती है, 55 रुपीज़। कितने रुपीज़ स्पेंड करती है सीमा, 55 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9। रीमा हैज़ 50 पैसे विद हर। रीमा हैज़ 50 पैसे विद हर इफ़ हर फादर गेव हर 40 पैसे मोर। सीमा ऑलरेडी 50 पैसे उसके पास हैं, लेकिन उसके पापा उसे 40 पैसे और दे देते हैं, मोर यानी कि और दे देते हैं। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, अब उसके पास टोटल कितनी मनी है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि आपके जैसे कि आपके पास पहले से 50 पैसे हैं और अभी आपके पापा ने आपको 40 रुपीज़ और दिए, तो आपके पास ज़्यादा होंगे ना। तो ज़्यादा क्या करने पर आएगा, आंसर प्लस करने पर आएगा। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, 40 पैसे और 50 पैसे दोनों को आपको क्या करना है, प्लस। नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। दी मनी रीमा हैज़, कितने पैसे रखती है, 50 पैसे। हर फादर गेव हर मोर मनी, और उसके पापा उसे और कितने रुपीज़ पैसे देते हैं, 40 पैसे उसे और देते हैं। टोटल मनी शी हैज़ नाउ, अब उसके पास टोटल कितनी मनी होगी, तो कितने होंगे। नाउ वी विल ऐड 0 + 0 = 0, 5 + 4 = 9। तो अब कितने पैसे होंगे उसके पास, 90 पैसे।
कितने होंगे 90 पैसे। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राहुल बोट आ चॉकलेट, राहुल बोट आ चॉकलेट फॉर 5 रुपीज, आ केक फॉर 15 रुपीज एंड अ पैकेट ऑफ जूस फॉर 12 रुपीज। राहुल ने चॉकलेट कितने की ली 5 रुपीज की, केक कितने का लिया 15 रुपीज का, पैकेट ऑफ जूस कितने का लिया 12 रुपीज का। हाउ मच मनी शी स्पेंट, तो उनने सभी जितने भी आइटम्स बोट किए उन पर टोटल कितनी मनी स्पेंड की, तो ये भी आपको क्या करना है, प्लस वो पूछ रहा है आपसे हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, कि उसने सभी पर कितने रुपए खर्च किए। तो क्या करना है आपको, ऐड, आपको जितना भी चॉकलेट का प्राइस है कितना है 5 रुपीज़, केक का प्राइस कितना है 15 रुपीज़, जूस का कितना प्राइस है 12 रुपीज़, इन सभी को आपको क्या करना है प्लस करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। राहुल बोट आ चॉकलेट फॉर 5 रुपीज़, ही बोट आ केक फॉर 15 रुपीज़, ही बोट आ पैकेट ऑफ जूस फॉर 12 रुपीज़, टोटल मनी ही स्पेंट, तो टोटल प्लस करना है 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12। 1 carry, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो टोटल मनी ही स्पेंट 32 रुपीज़। कितने स्पेंड किए उसने सभी आइटम्स खरीदने पर, 32 रुपीज़। नाउ वी विल डू MCQs questions. How many पैसे make a rupee? How many पैसे make a rupee? तो 1 rupee is equal to 100 पैसे. 100 पैसे. How many पैसे? यानी कि आपको कितने पैसे मिलाकर मेक 1 रुपी, कितने पैसे मिलकर 1 रुपी बनते हैं, तो 100 पैसे मेक अ रुपी। तो क्या करना है, किस पर टिक करना है, बी पर टिक करना है, 100 पैसे मेक अ रुपी। इट इज़ क्लियर, क्योंकि 1 rupee is equal to 100 पैसे और 100 पैसे मेक अ रुपी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 rupees विल हैव हाउ मैनी पैसे, 2 rupees में कितने पैसे होंगे, 1 rupee is equal to 100 पैसे, तो 2 rupee is equal to कितने पैसे होंगे, 2 × 100 पैसे, तो कितने होंगे 200 पैसे, कितने होंगे 200 पैसे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, बी पर टिक करना है, यहाँ पर क्या फिल करोगे आप 200 पैसे। क्वेश्चन नंबर 3, 5 1 rupee coin make 5 1 rupee coin, यानी कि 5 आपके पास 1 rupees के 5 coins हैं, कितने हैं 1 rupee के 5 coins हैं, तो विल मेक कितने रुपीस होंगे, वो कितने होंगे 5 rupees होंगे, क्योंकि 5 1 rupee coin मेक 5 rupees, यानी कि 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, तो 1 को आपको करना है, देखो 1 rupee + 1 rupee + 1 rupee + 1 rupee + 1 rupee, तो टोटल 5 1 rupee coin, तो 5 1 rupee coin 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 rupees, कितने होंगे 5 rupees। क्वेश्चन नंबर, तो इस पर क्या करना है आपको, बी पर टिक करना है और यहाँ पर क्या लिखना है 5 rupees, तो 5 1 rupee coin will make 5 rupees। क्वेश्चन नंबर 4, 2 10 rupees coin, 2 10 rupees coin will make
2 10 rupees कॉइन, यानी कि आपके पास कितने के कॉइन है? 2 10 rupees के 2 coins हैं। कितने हैं? 10 rupees के कितने कॉइन्स हैं? 2 coins हैं। तो 2 coins हैं 10 rupees के, तो कितने होंगे? 10 + 10 20 को 20 rupees, तो कितने होंगे वो? 20 rupees। तो 2 10 rupees coin will make 20 rupees। 20 rupees कितने होंगे? 20 rupees। क्वेश्चन नंबर 5। One 10 rupee note and 100 rupee note. 1 10 rupees note and 100 rupees note will make 10 + 100. 100 rupees + 10 rupees is equal to 110 rupees. कितने होंगे? 110 rupees। तो 1 10 rupees note and 100 rupees note will make 110 rupees। कितने होंगे? 110 rupees। इट इज़ क्लियर। तो ये था आपका चैप्टर 13। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।